लो फीस यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो इनकम्प्लीट रहेगी अगर हम ये वाली यूनिवर्सिटी का नाम इसमें ऐड नहीं करेंगे, जो कि है। सेकेंडली, यहाँ पे क्रिएटिव कोर्सेज के साथ साथ बहुत ही एकेडमिक कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अवि। तो भाई, आज की वीडियो भी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, धमाकेदार इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि यार बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार आप यूके में सेटल हो, आप यूके में आपने पढ़ाई करी है, तो वहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग जो है वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी जो है करने का प्लान कर रहे हैं अब्रॉड से, लेकिन उनको ये लगता है यार स्पेशली यूके में अगर वो यूके से करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा महंगी होगी। जब भी आप बाहर पढ़ाई करने का प्लान करते हो ना, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है कि यार पैसे कितने लगेंगे। सबसे पहले बंदा यही सोचता है कि यार वर्थ है इतने पैसे इन्वेस्ट करना या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज जिनके कोर्सेज जो है वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है एंड दे डोंट इवन कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से, और इस वीडियो में जितने भी हम यूनिवर्सिटीज बताने वाले हैं उसमें जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो। तो एग्जैक्ट जो फीस है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही जाके पता चलेगी कि आप कौन सा कोर्स चूज करने वाले। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जहां पे हमने नोटिस किया है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। और हम कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते हैं तो हमेशा उसको अच्छे से रिसर्च करके बनाते हैं ताकि आपके पास एक एग्जैक्ट अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेशर से। यूनिवर्सिटी ऑफ चेशर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इन यूके। तो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब नहीं है कि ये सस्ती है तो ये अच्छी नहीं है। इट्स वन ऑफ द रियली गुड यूनिवर्सिटीज इन यूके। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1839। भाई बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो आप यहाँ पे कोर्सेज देख सकते हो, यहाँ पे अंडरग्रेड कोर्सेज भी है, पोस्ट ग्रेड कोर्सेज भी है। तो जो एवरेज ट्यूशन फी है यहाँ पे वो है बिटवीन 13,000 pound to 15,000 pound। ऑब्वियसली जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो एक ही साल की होती है और अंडरग्रेड जो है वो 3 साल की होती है। तो उस हिसाब से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ चेशर जहाँ पे लोकेटेड है वो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी मानी जाती है एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। तो जो अगर आप यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ लिख रखे हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कोई not very expensive university and also very safe for students, so University of Cheshire can be your choice. और अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है टी साइड यूनिवर्सिटी, जो कि नॉर्थ यॉर्कशायर में है। ये एक वैल्यू फॉर मनी यूनिवर्सिटी तो है, इसके साथ साथ ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बैरोमीटर सर्वे जो हुआ था उसमें वन ऑफ द 42 यूनिवर्सिटी थी जिसमें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब अगर आप इंडिया से यूके आना चाहते हो और आप ये देख रहे हो कि यार कौन सी सबसे सही यूनिवर्सिटी, सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी मिलेगी, स्पेशली फॉर एमबीए, यहाँ पर एमबीए के भी काफी अच्छे कोर्सेज हैं। और ये टी साइड यूनिवर्सिटी है ये नॉर्थ यॉर्कशायर में बेस्ड है, जो कि स्कॉटलैंड से काफी ज्यादा पास है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। ग्रीनरी बहुत ज्यादा है वहां पर, तो एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो। तो दिस इज वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी एंड गुड यूनिवर्सिटी। तो जो अगली यूनिवर्सिटीज़ है जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है लंदन की यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हमें लंदन में ही पढ़ाई करनी है। तो यार लंदन वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ऊपर से जो वहाँ की और जो टॉप लंदन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ट्यूशन फीस भी बहुत हाई हो सकती है। बट ऐसी दो यूनिवर्सिटीज़ है जिनके बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन एंड लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ चीप कोर्सेज ऑफर करती है विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज, अंडरग्रेड कोर्सेज भी, पोस्ट ग्रेड कोर्सेज भी। तो उनके पास बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे अपनी मर्जी का कोर्स ना मिले, बहुत सारे कोर्सेज है एक यूनिवर्सिटी में तो मिल ही जाएगा। अगर आप लंदन में ही पढ़ना चाहते हो तो आप ये दो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका मर्जी का जो कोर्स है वो कितने का है। और हमारी रिसर्च के हिसाब से यहाँ इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की एवरेज जो ट्यूशन फ़ी है वो है बिटवीन 12,000 to 15,000 pounds, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। अंडरग्रेड होगा तो वो ये पर ईयर की कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि 13,000 pound में तीनों साल की फ़ीस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये पर ईयर कॉस्ट होती है। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेड कोर्सेज होते हैं वो एक ही साल के होते हैं, सो इट्स वर्थ डूइंग पोस्ट ग्रेड कोर्सेज हियर।
तो भाई जो लो फीस यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो इनकम्प्लीट रहेगी अगर हम ये वाली यूनिवर्सिटी का नाम इसमें ऐड नहीं करेंगे, जो कि है लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी जो कि प्रोवाइड करती है गुड वैल्यू फॉर मनी। लीड्स बेकेट ऑफर्स क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। द यूनिवर्सिटी हैज़ पार्टनर्ड विद न्यूमरस कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट गेट द बेस्ट जॉब्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। आप यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो सा भी करना चाहते हो वो 11,000 से लेकर 14,000 के बीच में आपको कोर्स मिल जाएगा यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं पर्सनली बात करना चाहती हूँ, विच इज बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा भाई भी बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और जो गौरव का भाई है आदि, वो भी बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी से अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले तो उसकी जो लोकेशन है वो मिडलैंड्स में बेस्ड है। जो नेक्स्ट सबसे पॉपुलर एरिया आता है लंदन के बाद वो मिडलैंड्स आता है। सेकेंडली, यहाँ पे क्रिएटिव कोर्सेज के साथ साथ बहुत ही एकेडमिक कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको लाइव दूं तो जो मेरा भाई है उसने फैशन मैनेजमेंट में अपना कोर्स किया है, मास्टर्स किया है, विच इज़ अ वेरी क्रिएटिव स्पेस, क्रिएटिव मास्टर्स डिग्री है। और जो गौरव का भाई है वो बिग डेटा एनालिटिक्स में कर रहा है, विच इज़ अ रियली रियली गुड एकेडमिक कोर्स। तो आप वैरायटी देख सकते हो, यहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, लोकेशन भी अच्छी है, और उसी के साथ साथ आपकी लिविंग कॉस्ट भी बच सकती है अगर आप मिडलैंड्स की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। तो यहाँ के जो कोर्सेज है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो जो कोर्सेज है वो 14,000 से लेके 16,000-17,000 पर ईयर जाते हैं। बट उसी के साथ साथ अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं अंडर ग्रेड में तो वो कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो जैसे मेरे भाई को और आदि को भी, गौरव के भाई को 2,000 pounds ऑफ मिले थे। तो अगर आप वो कंसिडर करो तो ये लो फीस वाली यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आनी चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया है सितंबर इनटेक में आने का, और अगर आपने अभी तक भी अपनी अकोमोडेशन जो है वो सॉर्ट आउट नहीं की है, तो आई वुड strongly recommend कि आप अपनी accommodation जो है वो इंडिया से ही sort out करके आओ। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो सीधा इंडिया से तो there are so many changes going on already। आप अपनी country छोड़ के आ रहे हो, अपनी family, friends सब छोड़ के आ रहे हो। तो accommodation की बात की जाए तो हमने आपको बहुत बार बताया है Amber Student यहाँ पे one of the largest student accommodation provider है। 16,000 से ज़्यादा properties हैं उनकी, और इनका जो बुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दे हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी मैनर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ये फैमिली अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट अकोमोडेशन जो होती है ना वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती है मोस्टली, बट Amber Student के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो फैमिली अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, बट दे आर वेरी लिमिटेड। तो अगर उनके पास वो फैमिली अकोमोडेशन वाली अवेलेबिलिटी होगी तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनको उनके साथ अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शेयर कर सकते हो और अपनी जो अकोमोडेशन है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। और आप हमारा जो लिंक है वो यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। तो इफ़ यू वांट टू बुक योर अकोमोडेशन विद Amber Student, यू कैन चेक आउट आवर लिंक। इसके अलावा एक और जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन, जहाँ पे आपको डॉक्टरेट के प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, और वहाँ पे आर्ट्स हो गई या इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं जो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और जो इनकी फीस है वो स्टार्ट होती है 11,000 से लेके वही 14,000 तक, जो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं उनकी फीस जो होती है। जो अंडर ग्रेजुएट है उनकी भी यही फीस है, लेकिन वो पर ईयर के बेसिस पे होती है। तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं वो 3 साल के होते हैं, तो आप वो पर ईयर मान लो वो ले। और इसके अलावा कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉल्टन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कुम्ब्रिया, स्ट्रैटफर्ड यूनिवर्सिटी, और कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में भी सस्ते हैं, अदरवाइज कोवेंट्री यूनिवर्सिटी काफ़ी महंगी पड़ सकती है। तो ये जितनी भी हमने यूनिवर्सिटी आपको बताई है इस वीडियो में, सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है ये लो कॉस्ट है और ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ। तो सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, इसके कोर्सेज चेक कर सकते हो। कोर्सेज के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जहाँ पर भी इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचिंग प्रोग्राम भी बहुत सारे इंक्लूडेड है इन यूनिवर्सिटीज में, तो सारे के सारे आप चेक कर सकते हो और वहाँ से यार बुक कर सकते हो अपनी जो कोर्स है, और यहाँ पे यूके आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो यहाँ पे आके, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर। बट उसी के साथ साथ हम ये बात भी बोलना चाहते हैं कि दीज आर ओनली एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज़।
ये इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप अपनी रिसर्च नहीं करोगे, आपको अपनी रिसर्च थॉरली करनी है, दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट डिसीजन इन लाइफ। तो अपनी जो रिसर्च है वो प्रॉपरली करो और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स चेक करो, कोर्सेज की डिटेल्स चेक करो, मॉड्यूल्स चेक करो, बेसिकली फिर अपना डिसीजन है वो लो। तो होपफुली यार आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल गई होगी। और इसके अलावा और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो लो कॉस्ट हैं और वहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो काफी सस्ती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं। और उसके साथ ही हमने आपको बताया कि बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर स्कॉलरशिप ऑप्शंस, डिस्काउंट क्या आपको मिल सकता है। और ये दिमाग से निकाल देना कि अगर बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करोगे तो ही आपका PSW लगेगा, तो ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ने पढ़ाई करी है एसेंट यूनिवर्सिटी से, और जो मेरे भाई और ब्रदर इन लॉ है दोनों ने पढ़ाई करी है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से, तो उन दोनों का बहुत ही ऐसे चल रहा है। आगे आपके साथ उसकी भी जर्नी शेयर करते रहेंगे हम। तो यही है यार, यहाँ पर आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।